चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हरेक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, यह चीज लेने में और जबरदस्ती मांगने में कभी शर्म ना करें। अगर आप इन चीजों को मांगने में शर्म करते हैं तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और यहां तक कि इन चीजों को न लेने पर आपकी ऐसी तैसी हो सकती है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इन चीजों को मांगने पर शर्म करता है तो उसे कभी कामयाबी नहीं मिलती और ना ही संतुष्टि मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें, आचार्य चाणक्य के बारे में आपने सुना ही होगा। आचार्य चाणक्य ने मानव जीवन के लिए अपने चाणक्य नीति में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें अगर किसी इंसान ने अमल कर लिया तो उसे अपने जीवन में सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, ऐसे में हम आपको बताएंगे वो चीजें ऐसी कौन सी हैं जिन्हें लेने पर या हक से मांगने पर शर्म नहीं करनी चाहिए, खासकर एक पुरुष को। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक, पति पत्नी का प्यार। दोस्तों, शारीरिक संबंध के तौर पर किसी भी प्रेमी जोड़े को ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दोनों के बीच सलाह मशवरा हमेशा मजबूत होना चाहिए। जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से शर्म करते हैं और संबंध के दौरान घबराते हैं तो उनके बीच में कोई गैर पुरुष या गैर महिला अपनी जगह बना सकती है। इसलिए संबंधों के दौरान शर्म बिल्कुल भी न करें, बेझिझक होकर पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करें, इसी में आपकी भलाई है। नंबर दो, भोजन करते समय कभी शर्म न करें। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार भोजन करते समय किसी भी व्यक्ति को शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को खाने में शर्म आती है वो लोग हमेशा भूखे ही सोते हैं और ये मुसीबत उनके लिए किसी बहुत बड़ी परेशानी से कम नहीं होती। दोस्तों, भूखा व्यक्ति क्रोध का शिकार हो जाता है, इसलिए उसे हमेशा पेट भर खाना खाना चाहिए और भोजन करते समय कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि भोजन में शर्म करना भोजन का अपमान माना जाता है। नंबर तीन, गुरु से ज्ञान लेते समय या किसी और से जानकारी लेते समय कभी भी शर्म ना करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने गुरु से ज्ञान लेते समय कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान लेते समय शर्म करता है उसका ज्ञान हमेशा अधूरा रह जाता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है, अधूरा ज्ञान आपकी सबसे बड़ी हार होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर चार की, जो कि है उधार का पैसा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को दिया हुआ धन हमेशा मांगना चाहिए और जो व्यक्ति अपना ही पैसा मांगने में शर्म करता है वो कभी धनी हो ही नहीं सकता। ऐसे में आप पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं, इसलिए उधार के पैसे मांगने में कभी भी शर्म ना करें, क्योंकि दोस्तों वो आपका पैसा है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी ये सलाह देते हैं कि आप ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।